नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। खबर वैशाली जिले के शाहपुर बिजरौली गांव की है, जहां एक 20 वर्षीय युवती का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या कर लड़की का शव पोखर में फेंक दिया गया था। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश था और 3 दिन बाद पहुंचे बीजेपी के स्थानीय पातेपुर क्षेत्र के विधायक लखेंद्र पासवान का आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और मुर्दाबाद के नारे लगाकर विधायक को वापस भेज दिया। लेकिन विधायक को अपने क्षेत्र में अपना परिचय देने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और आक्रोशित लोग जमकर नारेबाजी और हंगामा करते दिखे। दलित लड़की का अपहरण, रेप और हत्या के बाद अब नेताओं का मृतक लड़की के परिजनों से मिलने का दौर शुरू हो गया है। मालूम हो कि घटना 1 सप्ताह पहले की है, जहां एक 20 वर्षीय लड़की शौच के लिए घर से निकली थी, जिसे गांव के ही दरिंदे जबरन उठाकर ले गए थे और 6 दिन के बाद लड़की का शव गांव के पोखर से बरामद हुआ था। मृतक के परिजनों ने 5 लोगों पर अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज 5 दिन बाद स्थानीय विधायक मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे तो मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध करते हुए विधायक को उल्टे पांव लौटा दिया। वैशाली से ब्यूरो रिपोर्ट। विरोध कर रहे थे का है? काफी दिन बाद उनके पंचायत में ही घर है बच्ची की। अब 5 दिन बाद मिले। कौन आए थे? विधायक जी, बीजेपी के लखेंद्र पासवान। तो क्या विरोध कर रहे थे आप लोग उनका? विरोध कर रहे थे लोग इसलिए कि काफी दिन बाद मिले, अभी तक कोई खोज खबर नहीं किया, अभी तक सत्ता से कोई अपील नहीं हुआ है, इसलिए विरोध हो रहा था। क्या नाम है आपका? माननीय विधायक जी हो, नाम बता दीजिए। किसका? अपना कौशल कुमार।